जय हिंद प्यारे दोस्तों। अगर दोस्तों आप 12वीं पास हैं और एयरपोर्ट पे काम करना चाहते हैं, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ना कोई टेक्निकल फील्ड है, सिंपल आपने 12th पास की हुई है और आपका सपना है एयरपोर्ट पे काम करने का, तो बहुत जबरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है दोस्तों। तो बेसिकली दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, जितनी बातें टोटल बताई गई है सारी अपनी वीडियो में कवर करेंगे। अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। सबसे खास बात यह दोस्तों, इसमें आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कैसे होगा, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, सारी बातें समझेंगे। तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास चाहिए, अगर आपने 12th क्लियर कर ली है तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी जबरदस्त साबित होने वाली है, क्योंकि जो वैकेंसी आउट हुई है वो बहुत सारी वैकेंसी है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप की पोस्ट आउट हुई है। तो बेसिकली दोस्तों ऑफिसर एग्जीक्यूटिव कस्टमर सर्विस की आज की वैकेंसी में बात करेंगे दोस्तों। तो आपकी जो पोस्टिंग होने वाली है वो कई जगह पर निकली है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कहां कहां पोस्ट निकली है। रायपुर, गुवाहाटी, मुंबई, बागडोगरा, गुड़गांव, चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु में वैकेंसी आउट हुई है। तो बेसिकली दोस्तों इसमें सिंपल 12th पास मांगा है। एज की बात करते हो दोस्तों, कम से कम 18 साल, ज्यादा 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों 18 से 27 के बीच ही आपकी एज होनी चाहिए। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट आउट हुआ है, एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली आप गो थ्रू जरूर कर लेना फॉर फर्दर क्लेरिफिकेशन के लिए। इसमें डिजायर स्किल भी मांगी गई है दोस्तों, यह चीज ध्यान से समझना। डिजायर स्किल के नाम पर इसमें बयान गया है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल आपकी होनी चाहिए, यानी कि आपको बोलने का तरीका आना चाहिए। जब भी कोई सिचुएशन आपकी टेक्निकल चीजें हो जाती है तो आपको वो संभालनी आनी चाहिए दोस्तों। इसके साथ साथ इसमें लिखा है कि नो विजिबल टैटू, आपकी बॉडी पे कोई भी विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए, ना कोई बॉडी मार्क होना चाहिए दोस्तों। इस चीज को ध्यान से समझना, जब आप अपने ड्रेसअप के साथ जाते हैं, फॉर्मल ड्रेस के साथ जाते हैं, तो वहां पे आपका विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। तो डायरेक्टली आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट होगा, वो होगा 12 तारीख को, 19 तारीख को और 26 तारीख को। ये जो इंटरव्यू कंडक्ट होगा उससे पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली आप पहले जाके रजिस्टर करना और वहां पर रीड आउट कर लेना सारी फॉर्मेलिटीज। और जो इंटरव्यू कंडक्ट होने की डेट्स है वो 12, 19 और 26 नवंबर को आपको इंटीमेशन आ जाएगा, डायरेक्टली आप इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं। तो जो मैंने वेन्यू बताया आपको, यहीं यहीं पर इंटरव्यू कंडक्ट होंगे। तो बेसिकली दोस्तों जब आप अप्लाई कर देते हैं, रजिस्टर कर देते हैं, तो आपको क्या करना होगा, अपना एक सीवी बनाना होगा। उस सीवी में आपको एप्लीकेशन आईडी, जब आप रजिस्टर करते हैं तो उस पर एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होती है, तो वही आपको वहां पे मेंशन करनी है कि भाई हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और हमारी एप्लीकेशन आईडी ये है। तो वीडियो कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।